एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस करने वाली हूँ। जिसने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैथ्स की एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है, वहाँ से उसको देख सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम रेशियो की बात करें, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, अगर ए एंड बी कोई दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जिनके यूनिट सेम है, और अगर मैं इसको ए बाई बी लिखती हूँ या फिर मैं इसको ए टू बी लिखती हूँ, तो आप क्या कहेंगे कि ए और बी दोनों का में रेशियो में, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में जब इसको लिखा जाता है तो ए बाई बी लिखा जाता है, अदरवाइज इसको आप ए टू बी भी लिख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो ए है वो आपका न्यूमरेटर में है और जो बी है वो आपका डिनोमिनेटर में है। तो जो ए है इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, क्या बोला जाता है, फर्स्ट टर्म, और जो बी है उसको बोला जाता है सेकेंड टर्म। एट द सेम टाइम एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ए को फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं तो इसी को एंटीसीडेंट भी बोला जाता है। अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि एंटीसीडेंट क्या है, अगर लेट सपोज कोई रेशियो लिखा है, फॉर एग्जाम्पल टू अपॉन में थ्री, ठीक है, तो याद रखिएगा टू क्या है, एंटीसीडेंट, फिर थ्री आपका सेकेंड टर्म है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्वेंट, क्या बोलेंगे आप उसको, कॉन्जिक्वेंट, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज एंटीसीडेंट, सेकेंड टर्म इज कॉल्ड एज कॉन्जिक्वेंट। अब फिर प्रपोर्शन क्या है, रेशियो तो बहुत ईजी आया समझने में, कोई दिक्कत भी नहीं आई, फिर प्रपोर्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर ए इज टू बी आप ऐसे लिखते हैं और बीच में अगर आप प्रपोर्शन का सिंबल लगाते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर वॉट, प्रपोर्शन, ए इज टू बी इज इन प्रपोर्शन विथ सी इज टू डी, ठीक है। इसको कैसे रीड करा जाता है, ए इज टू बी इज इन प्रपोर्शन विथ सी इज टू डी। अब ध्यान से देखिएगा, प्रपोर्शन इज ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी दो रेशियो ए बाई बी और एक और रेशियो सी बाई डी आपस में इक्वल है, तो आप क्या कहेंगे, ए बी या फिर ए बाई बी इज इन प्रपोर्शन विथ सी इज टू डी। अगर गलती से 3 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ ले, गलती से इसलिए बोला है क्योंकि बहुत रेयर है कि प्रोपोर्शन का डेफिनेशन आपसे पूछा जाए, बट अगर पूछ ले तो याद रखिएगा, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन है एक लाइन का जो हमको याद रखनी है कि प्रपोर्शन क्या होता है। अब ये तो समझ में आ गया कि ये प्रपोर्शन आप इसको बोल रहे हो, बट ध्यान से देखिए जो मेरी टर्म्स हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए और डी, मतलब सबसे पहली वाली टर्म और जो सबसे लास्ट वाली टर्म है, इनको बोला जाता है एक्सट्रीम्स, क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम्स बोला जाता है। जबकि बी और सी, जो बीच में दो टर्म्स आपको दिख रही है, ठीक है, बी और सी, इसको क्या बोला जाता है, मीन टर्म्स, ठीक है। तो अगर अब कल को कोई पूछता है कि दो रेशियो प्रपोर्शन में है, तो आप उसमें से एक्सट्रीम आइडेंटिफाई करके बता दो या आप उसमें से मीन टर्म आइडेंटिफाई करके बता दो, तो आप क्या बताओगे, जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट रेशियो की और जो सेकेंड टर्म है सेकेंड रेशियो की, ध्यान से देखिए, ठीक है, वो क्या होती है, एक्सट्रीम्स, और सी और बी क्या होंगे, आपके मीन टर्म्स। अब अगर आप बोल रहे हो कि a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी, हम लोग को मालूम है a बाई बी अगर c बाई डी के बराबर है तो मैं इसको लिख सकती हूँ a इंटू डी बराबर b इंटू सी, ऑफकोर्स लिख सकती हूँ, क्या गलत है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो कराया है, ठीक है। तो a इंटू डी इक्वल्स टू b इंटू सी, ध्यान से देखो a और d आपके क्या थे, एक्सट्रीम्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स या फिर एक्सट्रीम टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या फिर मीन टर्म्स, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला डिराइव हो गया कि अगर मैं एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई करूंगी तो वो मुझे मीन टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर मिलेगा, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि रेशियो और प्रपोर्शन में क्या डिफरेंस है। बस याद रखिएगा कि जब भी आप रेशियो की बात कर रहे हैं तो ए और बी अगर कोई क्वांटिटीज है और उनका यूनिट सेम है, यूनिट सेम क्यों बोला, क्योंकि जो कॉमन यूनिट होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, सिर्फ ए टू बी, और अगर वो इक्वल हो जाते हैं सी बाई डी के, तो आप क्या बोलोगे कि ये दोनों आपस में क्या है, प्रपोर्शन में, ठीक है। कुछ और भी बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है रेशियो और प्रपोर्शन से रिलेटेड जो है, ध्यान से देखना। अगर मैं ए बाई बी को एक एग्जाम्पल कंसिडर करती हूँ, लेट सपोज 2/3 मान लेते हैं, ठीक है।
अगर मैं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो जो रेशियो होगा इट विल रिमेन अनअफेक्टेड. कैसे, देखना, 2/3 में अगर मैंने लेट सपोज 2 का मल्टीप्लाई करा ऊपर और नीचे, तो मुझे क्या मिल गया, 4/6, करेक्ट है. अब इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दूंगी तो मुझे वापस क्या मिल गया, 2/3. सिमिलरली अगर इस 2/3 को लेट सपोज मैं ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करती तो भी तो बात बराबर ही है ना, 6/9, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में करा 2/3. ये बहुत बेसिक चीज है बट आपको याद होना चाहिए हमेशा कि अगर रेशियो को आप ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आता है. ओके, कीप दिस पॉइंट इन माइंड. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिएगा. अगर ए इज टू बी इज इक्वल्स टू सी इज टू डी, एज इन ए बाय बी इज इन प्रपोर्शन विद सी बाय डी, तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है फोर्थ प्रपोर्शनल या फोर्थ प्रपोर्शन या फोर्थ प्रपोर्शनल. हम इसको क्या बोलेंगे, यहां पे जो डी है, ध्यान से देखिएगा, डी इज द फोर्थ प्रपोर्शनल टू, डी इज द फोर्थ प्रपोर्शनल टू ए कॉमा बी कॉमा एंड सी. तो याद रखिएगा अगर ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी है तो डी क्या है, फोर्थ प्रपोर्शनल है, किसके, ए बी और सी के. तो अगर कभी पूछ लेता है कि फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल इफ द नंबर्स आर 2, 9, 8 लेट सपोज, ठीक है, मतलब ए का वैल्यू क्या है मेरा 2, बी का वैल्यू मेरा क्या है 9, सी का वैल्यू मेरा क्या है 8, ठीक है, पुट कर देते क्या दिक्कत है, 2/9 बराबर सी बाय डी, सी का वैल्यू हमारे पास 8 था तो 8 रख दो. और पूछा क्या है इसने, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है तो डी होगा, तो डी का वैल्यू ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, 8 × 9/2, करेक्ट है. तो डी का वैल्यू हम निकाल देंगे यहां से, 4 दिस इज 36. तो अगर कोई पूछ लेता है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल का वैल्यू निकालो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ प्रोपोर्शनल होता क्या है. तो डी इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, गॉट इट. सिमिलरली हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है थर्ड प्रोपोर्शनल का. देखना थर्ड प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, अगर ए बाय बी बराबर है बी बाय सी नॉट सी बाय डी, तो हम क्या बोलेंगे, सी इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू ए कॉमा बी, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स कितने हैं, 1, 2 और 3, ठीक है. तो अगर ए बाय बी बराबर बी बाय सी है तो सी क्या माना जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल माना जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, ए कॉमा बी के रिस्पेक्ट. ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है मीन प्रपोर्शनल, ठीक है. तो मीन प्रपोर्शनल याद रखिएगा, अगर ए कॉमा बी कोई दो क्वांटिटीज है और अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका मीन प्रपोर्शनल क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी और उसका अंडर रूट, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी और उसका अंडर रूट, याद रखिएगा अंडर रूट ए बी इज द मीन प्रपोर्शनल ऑफ ए एंड बी. ओके, अगर आपको अब डाउट आता है कि इसको लिखेंगे कैसे मैम, जैसे अगर हम इसमें लिख रहे हैं ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, उसके पहले लिखा था ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए इज टू एक्स इज इन प्रपोर्शन विद एक्स इज टू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो ए बी बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, तो मैं बोल सकती हूँ एक्स इक्वल्स टू वॉट अंडर रूट ए बी. तो जो मीन प्रपोर्शन निकल के आया वो क्या निकल के आया, अंडर रूट ए बी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वेश्चन आ जाता है कि ए इक्वल्स टू 8 लेट सपोज मान लेते हैं, है ना, या फिर बी इक्वल्स टू कुछ दे देता है 2 दे देता है, ठीक है, तो मीन प्रपोर्शन क्या होगा अंडर रूट ए बी. अंडर रूट ए बी मतलब 2 × 8 कितना 16, 16 का अंडर रूट इज 4, तो मीन प्रपोर्शनल मेरा क्या निकल के आया 4 निकल के आया. यू गॉट इट. सो प्लीज याद रखिएगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है एंड मीन प्रोपोर्शनल क्या है, कॉन्सिक्वेंट क्या है, एंटीसीडेंट क्या है, मीन टर्म्स क्या है, एक्सट्रीम्स क्या है, ठीक है. बाकी तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ भी टफ नहीं होगा. हम लोग अब आगे वाले वीडियोस में इसके प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज उन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. ओके, विल मीट यू इन द नेक्स्ट, टिल देन गुड लक, टेक केयर, सी यू सून, बाय.